Assalamualaikum, it's me Fakzar Okeli and welcome back to my channel. Like अभी दो हो रहे हैं, दो बज रहे हैं दोपहर के. And she's making pakora right now. And ये आलू वाला है, ये आलू बट रहे हैं. सारा सामान अभी से हम दोपहर को बना रहे हैं, ठीक है ना. तो आज है 18th रोज़ा, 18वां रोज़ा, 18वीं इफ्तारी. एंड बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. सो आज है जुम्मा और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक. Remember me and my family in your prayers, and to also remember Palestine, Gaza, and Kashmir and Yemen in your prayers. And yes, aaj hai Jumma, aaj ka intezaar main aapko karati rahi ki something special hai aaj Friday ko. So aaj main karne ja rahi hu apne doston ki iftar, jo ki mere do dost the, uski main iftar party karne wali hu aaj. So वो आएंगे. तो अब वन डिश सिस्टम हमने किया है. मैंने लास्ट ईयर जो किया था, मैंने मोस्टली बनाया था यहीं पे, सब कुछ बनाया था और जो है सबने हेल्प की थी, बहुत मज़ा आया हुआ. सो इस टाइम जो है हमने सोचा बस हम है तो आपस में जो है हम डिश सिस्टम कर लेते हैं. और उसके बाद जो है मेरी दो दोस्तें आने वाली हैं आज, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. मैं आज ही इनको सुबह मिल के आई हूँ बस यू नो इफ्तार पार्टी के लिए. सो वेल एंड यस, इसी का मैं इंतज़ार कर रही थी जुम्मे के दिन का, ताकि इफ्तार पार्टी हो मेरे दोस्तों के साथ. करूँगी नहीं करूँगी बिकॉज यू नेवर नो. सो यस, अभी 2 बज रहे हैं और अभी ये पकौड़े बनाने जा रही बिकॉज उसको कहीं जाना है. बेटर बना के जा रही है, इसके बाद 5 बजे आएगी. तो फिर सारी इफ्तारी हम करेंगे, समोसा और रोल पर. और उन्होंने कहा है कि हम आपको हेल्प कराएंगे, सो विल सी अबाउट इट कैसा होता है, क्या होता है. सारी सेटिंग वगैरह करनी है और उसके बाद जो है मुझे इंस्टाग्राम पे भी बनाना है कुछ. अरे सच में इंस्टाग्राम में पोस्ट करना है फॉर लिटरली. सो अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम में हमें फॉलो नहीं किया है, सो डोंट फॉरगेट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. आई हैव 3 इंस्टाग्राम अकाउंट्स, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. सो गो एंड फॉलो मी देयर एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड यस एडिट मी ऑन स्नैपचैट. लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड शेयर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको भी वीडियो अपडेट आप मिस ना कर पाओ. थोड़ा सा अजीब और गरीब लग रही होंगी बिकॉज मैंने ड्रेस चेंज नहीं करने का, चेंज करूँगी, फुल करूँगी, फुल स्टार वाला लुक में. यस, रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत ज़्यादा जल्दी जा रहा है. आई मीन इट्स जस्ट रियली सो फास्ट. वेल आज इफ्तार पार्टी मेरी तरफ से मेरे दोस्तों के लिए. तो ये बेटर बन गया, ये भी बेटर बन गया है. एंड बस आपका काम खत्म. दही बड़े कौन बनाएगा? सुबह को हमने दही बड़े भी बनाने थे बट वह गैस वगैरह नहीं है. तो गैस नहीं है तो अभी तो बैटर वगैरह बन गया, जो इस चीज़ें बना गैस वाली वो बन गई है. तो गैस नहीं है, लाइट नहीं है, यही हम हमारा चल रहा है रमज़ान में. आई होप कि यू नो बड़ी रातों के दिन, लैलतुल कदर के रातों के दिन जो है लाइट हो, गैस भी हो, तो बहुत अच्छा होगा. सो जुम्मा है, जुम्मा आप सबको जुम्मा मुबारक. एंड या अभी चलते नमाज पढ़ें और उसको देखते हैं किधर है. और मेरा आज का ड्रेस और ये कुछ मैंने ऐसे किया है, इट्स अ फ्रॉक टाइप. एक रील दिखी थी उसमें जो है इफ्तार पार्टी कर रहे तो ऐसी फ्रॉक टाइप पहना था, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना पहनूं. सो मैं भी मैंने ये पहन लिया है. सो इट्स वेरी कंफर्टेबल काइंड ऑफ, तो इतना भी नहीं है बट है काइंड ऑफ. बट हाँ, और उसके साथ मैंने दुपट्टा ये लिया है. तो जी ये चादर और ये इफ्तार की मैंने सेटिंग कर ली है. लाइट नहीं है अभी, सो सही नज़र आ रहा है फिलहाल. सेट कर लिया है बेड भी सेट के लिए, उस इफ्तार के लिए दस्तक खोंटा दिया है अभी से ही. और जो है वैसा भी मैं तैयार होती, 4 बज गए एंड मैं गेट रेडी विद मी शूट करती हूँ. हम इफ्तार की तैयारियाँ करते हैं जब तक मेरी बहन भी आ जाएगी. सो अभी बोल गई है एंड लाइट गई चली गई है, 4 बज गए हैं एंड नाउ आई वेंट गेट रेडी. सो या ऑलराइट, मैं रेडी शेडी हो गई हूँ, तैयार हो गई. लुक लाइट का मैं सोलह सोलह साहब का मैं दिखाई दे रहा होगा बट जो है आई एम लुकिंग सो गुड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. वेल ये है आज का मेरा लुक. और जो है अब मैं ये सामान वगैरह पैक कर दूँ, थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह खिंचा लूँ, उसके बाद जो है सो या चेक आउट पर इंस्टाग्राम पिक्चर्स मिल जाएगी. सो या एंड अभी मैं जाके शरबत बना लूँ ताकि ठंडा हो जाए, ठीक है ना. सो मैं सोच रही हूँ कौन सा बनाऊँ, सो मैं सोच रही हूँ ब्रेड वाला बनाते हैं, ठीक है ना. सो ऐसे ही ना. सो कल भी कुछ है हमारा प्लान, सो स्टे ट्यून. हम दही बड़े बनाने वाले थे बट दही, ये दही बड़े और ये चने और ये क्या है बहुत सही. लाइक नहीं है, थोड़ा सा एक्सक्यूज करो. और हमने मैंने आपको दिखाया वो मेरे चाचा वालों के घर से आया था एंड ये आज मैं बनाने वाली हूँ फुल दर्स बिकॉज उनकी फरमाइशी के रेड होना चाहिए आई थिंक, इतना मुझे याद है. और हम ये न्यू वाला ओपन करते हैं खास उनके लिए. तो यस वगैरह बन गए, ये पकौड़े बन गए हैं आलू वाले और वो वाले बनेंगे पकौड़े. सारा काम खत्म हो गया है, एवरीथिंग इज डन. सिर्फ एक वीडियो पोस्ट करनी है इंस्टाग्राम पे, वो करनी है, उसके बाद जो है मैंने सारा नमाज पढ़ रही है, अभी कर रही है और सूट आउट करना है, दैट्स इट.
वी आर डन, नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स. ये है फ्रूट चाट हम बनेगा. या Here comes the last step. This is the chacha ke ghar se aayi thi aur ye jo hai hum kar rahe hain, ban gaye hain pakoda, ban gaye hain, ye ban rahe hain, ye ban rahe hain. इनको मेरे हाथों की अलग लाइक फ्रूट बाबा कहते हैं, उसके बाद चाट जो है ऊपर मसाला मैं डाल दी तो उनको पसंद है. सो आज मैं अपने हाथों से बनाई उनको खिलाऊंगी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आई होप अच्छा बने. Yeah, I'm very self-obsessed. If you know me, if you know, you know me. So we done, dana dan dan. And दोस्तें आ गई हैं. So मैं vlog बना रही हूँ. अभी हम जो है हम सामान जो है shift कर रहे हैं वहाँ पे कमरे में जहाँ पे हम खाएंगे. So yes, ये जनाब जो है उसने कहा था कि हम जो है आएंगे और हम तुम्हारी help करेंगे. और भाई साहब इतनी देर से आई हैं दोनों. खैर अभी हम करते हैं shift करते हैं वहाँ से. अल्लाह मुबारक माशाल्लाह. खोलो भैया. ये है अलीशा लेकर आई है. ये है आयशा चौहान. ये बकदरा के लिए चाचा चाचा के लिए सब जरा वो बाबा सर. सो ये है आज की इफ्तार अल्हम्दुलिल्लाह. इफ्तार का टाइम हुआ जा रहा है और अभी हम खाना बनाएंगे. मैं बता नहीं कैसे बात. और ये है सारी तैयारी आज की. आप दिखा सकते हैं तैयारी आप लोग. नहीं जी उफल जरा ओके नहीं को गंद करने का शौक हो रहा है. और ये अभी इधर वो हो जाएगा कलची. रोजा खोल दिया हमने. मैं अलीशा आयशा और शॉपों के लिए इफ्तार पार्टी टुडे एट माय होम. एंड ये सभी हम सारे चीज़ें जो खाएंगे. आयशा स्पेगेटी लेकर आई है, वो केक लेकर आई है. खाना पास आई है. ओ आयशा चौहान ने मैंने नहीं बनाई. तो सब अम्मी लोग बन गई फिलहाल. ये है मेरी फ्रूट चाट. मैं ट्राई करूँगी और ये हम सब खा रहे हैं. रोल कैसे है मेरी बहन खा रहे हैं तो खबर है. यह है स्पेगेटी. पहले हम ये टेस्ट करते हैं. मैक्रोनी मैंने इसलिए नहीं बनवाई बिकॉज मैं नहीं खाती तो सोचा था स्पेगेटी. गुड बट फॉर मी स्पाइसी. फ्रूट चाट बहुत अच्छी बनी है. फ्रूट चाट बहुत अच्छी बनी है. इग्नोर ऑल द नॉइसेस प्लीज. फ्रूट चाट बहुत अच्छी बनी है आज. आप नमाज के बाद जो है हमारी दूसरी शिफ्ट लगी है यहाँ पे. सो आप सबको आने के लिए शुक्रिया. मैं पहले से कह रही हूँ. एंड आप ये बहुत देर से आई हैं. आपका शुक्रिया. मैंने उनको कहा है सब चीज़ें जो है सब ख़त्म नहीं होगी. सो आयशा चौहान ने तो कहा भाई सब मैं ऐसे ख़त्म करूँगी ऐसे. दो समोसे में फुल हो गई. हाँ पता है ना खाए. नहीं दो समोसे में फुल नहीं हुई. एक शरबत में फुल हो गई. एक शरबत का गिलास, एक रोल और आधा फ्रूट चाट. हाँ उसमें फुल हो गई. दूसरी शिफ्ट कह रहे हैं उसके बाद जो है हम पिक्चर जल्दी से खा लो. पिक्चर्स वगैरह ले हम और फिर हम केक कटिंग करते हैं. इफ्तार पार्टी सेलिब्रेशन राइट. यस 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 यस. यस वो आप देखिएगा इंतजार कीजिएगा देखिएगा ठीक है ना. सो अभी हम नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं ठीक है ना. सो यार रोज़ा 18वां रोज़ा था ना आज. हाँ कल 19 20 21. सो फास्ट सो फास्ट. सो कीप मी एंड माय फैमिली इन योर प्रेयर्स एंड कीप अस ऑल इन योर प्रेयर्स. सो या दूसरी शिफ्ट. लाइक गोलगप्पा. नो समझा ना. वियर्ड कॉम्बिनेशन ट्राई करना. दीज आर सम नरगोटे में दही बरा केर को कॉम्बिनेशन बताया था. डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम बनाते रहते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ समोसा एंड स्पेगेटी.
फ्रंज नहीं है कुछ भी नॉर्मल और क्या है हिंदुस्तान समोसे मेरे इट इज स्पाइसी गाइस सो यू कैन से दिस यू कैन डू दिस लाइक दिस सो या ये है मेरी दो फ्रेंड्स जो कि आई है इफ्तार पार्टी मैंने इतना ही कहा था और ज्यादा नहीं कहा था आपको करने के लिए रैपिंग करना स्टार्ट हो जाएगी ओके इफ्तार के बाद दिमाग बिल्कुल नहीं चलता इफ्तार के बाद क्या सेकंड शिफ्ट में हमने कर ली थी क्या आप थोड़ा उधर हो जाए ताकि मैं अपनी सेल्फी निकाल दूँ बेटा आप निकल जाए शेरू मामा शेरू हियर हाय शेरू हम जो है पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं पिक्चर्स ले रहे हैं सो और मुझे लेने नहीं दे रही है मैंने लेने दे रही इसको सो ये है मैं और ये रही चलो मैं उनको पिक्चर्स लेने दे रही हूँ हम पिक्चर्स लेते हैं उसके बाद फिर रात को मिलते हैं सो अभी एडिटिंग पिक्चर्स उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं तब हटी हो रही है फ्रेंड्स के साथ और कल कुछ खास भी है सो स्टेट विद दैट सो ये है आज का मेरा ब्लॉग इफ्तार पार्टी विद माई फ्रेंड्स एंड टर्न 24 तो जी ये केक है हम उसके साथ ऐसे ऐसे करने वाले हैं सो आपको देखने को मिलेगा सो थैंक यू फॉर द स्पेगेटी एक दोस्त चली गई है आयशा चौहान आयशा आपको कैसा लग रहा है कैसा मजा आ रहा है आपको कैसे रही इफ्तार पार्टी अच्छा लगा आपको अच्छा लगा सो बस ये था मेरी तरफ से फखरों के लिए की तरफ से इफ्तार पार्टी मेरे दोस्तों के लिए जिसके नसीब में था वो आए और जिसके नहीं थे वो नहीं आए और नहीं आए तो फिर नहीं आए हमें कोई चलो एक एक उसका रीज़न था अच्छा वाला तो ओके ठीक है ना सो खैर विल सी अबाउट इट जान कुछ नहीं आए वो अपना देख ले भैया अब ये लास्ट टाइम था मेरी तरफ से फखरों के लिए की तरफ से पता नहीं लास्ट नेक्स्ट ईयर में होंगी यहाँ पर नहीं होंगी वी डोंट नो अबाउट दैट सो जब वो तब की हम फिर तब देखेंगे फिलहाल अभी हम जो है लूडो खेल रहे हैं ठीक है ना सो लेट्स प्ले दिस गेम एंड देखते हैं कौन जीता है ठीक है सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया लिटरली थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग एंड लिटरली मींस अ लॉट एंड खैर ये 2024 की इफ्तारी भी हो गई फखरों के लिए की तरफ से एंड लास्ट ईयर की तरफ बेटा की करता तुसी मैं और शेरू हूँ यहाँ पर और आप ही गई है टेलर के पास बाबा लेकर गए उसको सो खैर अभी मैं फ्रेश फ्रेश होकर ये भी चलेगा मैं फ्रेश कर फ्रेश फ्रेश होकर सारी चीज़ें अपनी सेट कर ली है और आराम से मैं फ्रेश होकर मैं बैठी हूँ अब जो मैं मेरी आदत भूख लग जाती है तो मैं ये जो है ये खाती हूँ सो या इस व्लॉग में करती हूँ यहीं पे एंड आई होप आप सभी को बड़ा पसंद आई होगी सो सी यू सून कल है कुछ कजन्स के साथ है कुछ सो स्टे ट्यून्ड विद दैट अल्लाह हाफिज़ हैप्पी रमज़ान लास्ट बाय बाय वहाँ पे तो ये सारी सेटिंग पता नहीं इन्होंने कैसे कर ली है सो टीवी यहाँ पे शिफ्ट हो गई है सो वेल सी अबाउट इट हाँ इसने क्या रुश फातमा के लिए